गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और आज है भाई दूज। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि मैं जल्दी उठूँगी, उस दिन मैं और आधे घंटे लेट उठती हूँ। जब मैं नीचे आई तो नीचे का सारा काम हो चुका था, माँ ने झाड़ू पोछा मार दिया था और माँ भी नहा रही हैं, फिर वो करेंगी पूजा। और तब तक मैं बना रही हूँ चाय और साथ में ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं सैंडविच। तो तैयारी ऑलमोस्ट मैंने करके रख दी है। मैं सोच रही हूँ माँ नहा लें, फिर उसके बाद हम बनाएंगे सैंडविच और साथ में चाय जो है हमारी बन रही है। तो चाय तो मैं पहले पी लूँगी, उसके बाद मैं आराम से सैंडविच वगैरह खाऊँगी। तो मैं और पापा चाय पी लेते हैं, फिर बाकी सब लोगों को भी दे देंगे। और हार्दिक तो अभी सोया हुआ है। पापा को चाय मैंने दे दी है और अब मैं सोच रही हूँ कि चाय के साथ ही सैंडविच बना लेते हैं, क्योंकि चाय के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वरना मैंने सोचा था कि पहले चाय पियेंगे उसके बाद हम लोग सैंडविच बनाएंगे। चाय और सैंडविच है रेडी, तो अब कर लेते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट और बस गया है 9, फिर आगे के काम के लिए प्रोसीड किया जाए, फिर डिसाइड किया जाए कि भाई कौन कब आएगा, तो उस हिसाब से काम किया जाए। दीदी कब आएंगी, फिर जब दीदी आ जाएंगी उसके बाद मैं निकलूंगी घर जाने के लिए भाई को टीका करने के लिए। तुम किस सोच में गुम हो? तुम क्या सोच रहे हो कि तुमको क्या करना है? तुम पहले उठो, ब्रेकफास्ट करो। मुंह धो लो, मुंह नाश्ता करके जैसे ही मैं फ्री हुई वैसे ही मेरी सुपरवाइजर का कॉल आ गया कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, तुम फेस्टिवल तो नहीं सेलिब्रेट कर रही हो? तुरंत मैं भागते हुए ऊपर आई और अपना कॉपी किताब खोल के बैठ गई। और मैम ने थोड़ा सा मुझसे पूछा कुछ क्वेश्चंस किए कि मेरी तैयारी है या नहीं है, क्योंकि कल छोड़ के परसों ही मेरा प्रेजेंटेशन है और अब सब भगवान के भरोसे। मुझे लग रहा है ना, मैं जितना पढ़ रही हूँ मैं उतना ज़्यादा सब भूल जा रही हूँ। बस भगवान से यही प्रेयर कर रही हूँ कि बस मेरी नैया पार करवा दे, बस परसों का दिन बस। अब ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ मैं भगवान से, सिर्फ आधे घंटे की एक प्रेजेंटेशन को संभालने, बस बाकी तो सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो बस यार, सारे काम धाम छोड़ के मैं फिर से आ गई हूँ ऊपर पढ़ने के लिए। और भी कुछ कुछ करेक्शंस हैं पीपीटी में जो मुझे करने हैं, तो बस 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 मेरा यही चल रहा है। इसीलिए मैं और फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पा रही, इसीलिए मेरी दिवाली भी अच्छी नहीं गई कि पढ़ना है और इतनी सारी टेंशन, ये वो बस इसी में दिमाग ख़राब है। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेती हूँ, जो करेक्शंस हैं वो करेक्शंस मैं कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पढ़ते पढ़ते मुझे लग गई थी भूख, तो मैं फिर से सैंडविच लेके आ गई हूँ जो रखे थे, और साथ में मैं प्रिंट आउट निकलवा के लेके आई हूँ। और यार, जब आप थीसिस का काम कर रहे होते हैं ना, इतने करेक्शंस होते हैं, और अगर आप हार्ड कॉपी लेके करेक्शंस कर रहे हो ना, तब तो आपको न जाने इतनी कॉपीज निकलवानी पड़ती हैं कि पूछो मत। तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 इसी के नीचे 5, इतनी सारी कॉपीज़ मैंने निकलवा के रखी हैं कि बस पूछो मत। और सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हार्ड कॉपी निकलवाने के लिए बार बार मैम बोलती है कि हार्ड कॉपी से पढ़ो, तो बार बार प्रिंट आउट्स निकलवाने पड़ते हैं। अगर मैं इनको बेचूंगी ना अपनी थीसिस कंप्लीट करने के बाद, तो मुझे 10-15 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे इसको बेचने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। इतने प्रिंट आउट्स मैंने निकलवाए, साथ में ये अलमारी जो है ना, इसमें भी कितने सारे प्रिंट आउट्स मेरे रखे हुए हैं। तो बस यार, यही सब चल रहा है, पढ़ाई, प्रिंट आउट, ये वो। और आज भाई दूज है, एकदम मुझे लग ही नहीं रहा कि भाई दूज है। दीदी लोग भी अभी आए नहीं हैं, मैं भी टीका करने अभी गई नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट अपनी पढ़ाई और थोड़ी प्रिपरेशन और कर लेती हूँ, उसके बाद जब दीदी लोग आ जाएंगे टीका कर देंगे तब मैं जाऊँगी टीका करवाने के लिए घर। और फिलहाल के लिए मैं पहले कुछ खा लेती हूँ और फिर मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ।
बच गया है 1.5 और पढ़ाई को देते हैं थोड़ा सा विराम और चलते हैं नीचे, दीदी से टीका करवा लेते हैं। संगम दी आई हैं तो हम चल के उनके भाई के हिस्से का टीका हम करवा लेते हैं, क्योंकि पतिदेव यहाँ है नहीं तो उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी, उनके सारे हक मेरे तो टीका करवाने का हक भी मेरे पास है, तो हम चल के टीका करवाते हैं और फिर चलते हैं अपने भाई को टीका करने, क्योंकि वहाँ से भी बार बार फ़ोन आ रहा है कब आओगी तुम कब आओगी। लेकिन मैं पढ़ाई में इतना बिजी थी, पढ़ना था ये वो, जिसकी वजह से मैं बस चुपचाप बैठी थी, कुछ काम मैंने नहीं किया, खाना पीना सब माने के और सब मैं पढ़ रही थी, क्योंकि बस एक दिन है मेरे पास और एक दिन के बाद है मेरा इंटरव्यू, तो एकदम स्ट्रेस भी लग रहा है और कैसा लग रहा है मैं बता नहीं सकती। तो फिलहाल चलते हैं नीचे और करवाते हैं टीका। हैप्पी भाई दूज। मेरा दिमाग ना इतना हैंग हो गया है कि मुझे भाई दूज की जगह रक्षाबंधन याद आ, इतना पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया कि मुझे भाई दूज की जगह रक्षाबंधन याद आ गया था। वो इसलिए रखा जाता था तो मिठाई नहीं मिलती थी दीदी का गिफ्ट तो भाई दूज, दीदी का गिफ्ट रस्ते में है, बनारस में है, बनारस में भी बनारस से होके आ रहा है। अभी आके मैं आ गई हूँ ऊपर और अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने, चेंज करके हम निकलेंगे अपने भाई को टीका करने के लिए। और साथ में टीका करने में मुझे दीदी ने ये ड्राई फ्रूट्स और ये चॉकलेट दिए, जानती है मैं अनहेल्दी नहीं खाती, ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाती, तो इसके लिए वो हर बार मुझे ड्राई फ्रूट्स से दी। और साथ में पति देव को भी वहाँ पे मुंबई में भी उन्होंने ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑर्डर करके दिए। तो अभी हम चेंज कर लेते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि 2:30 बज गया है और घर पहुँचते पहुँचते 3:15 तो हो ही जाएगा। नाउ आई एम रेडी टू गो और ये येलो कलर का सूट मैंने डाला है, थोबड़े के साथ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैंने कपड़े चेंज किए हैं और अब मैं निकल रही हूँ फटाफट क्योंकि बज गया है। मैं पहुँच गई हूँ घर और फिलहाल के लिए अभी बाकी सामान मैंने गाड़ी में छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद फिर निकलना है गोरखपुर, तो इसलिए सामान मैंने गाड़ी में छोड़ा है और हम सिर्फ मिठाई लेके चल रहे हैं अंदर। खोलो जरा ये सब क्या चल रहा है। आई सिम्बा तुमको पहचान गया क्या? बाहर जा रहा है, आ यहाँ। आशुतोष कहाँ है? आशुतोष नहीं। हैप्पी भाई दूज गर्ल्स, तो क्यों इतना नाक में दम करके बुलाया मुझे जब आशुतोष नहीं है तो क्या है? क्या है, क्या है तुम दोनों को मिठाई लाओगी क्या? ओ कह रहा होगा दे दो दीदी, नहीं तो बीमार कर दो। हाँ मैं और दीदी आ गए हैं भाई को टीका करने और इतना नाक में दम करके ये लड़की ने मुझे फोन कर करके जल्दी आओ जल्दी आओ हम लोग को बुला लिया, लेकिन भाई जो है वो मम्मी को लेके मामा के यहाँ गया हुआ है, तो जब वो आएगा तब हम टीका करेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे अनारकली से प्रीति बन जाना चाहिए, इन कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए, तो मैं कपड़े चेंज करके फिर आराम से पियेंगे चाय और थोड़ी देर गप्पे मारेंगे अपनी बहनों के साथ में और उसके बाद हम फिर से पढ़ाई पर लग जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही है जब तक मेरा प्रेजेंटेशन हो रहा है। क्या हुआ? पानी मेरे को भी चाहिए। हम लोगों ने टीका नहीं किया है। तुम लोगों ने भी नहीं किया है? ये पता रीमा दीदी बोल रही जब आ जाएंगे प्रीति लोग तब पिया जाएगा। वाह देखो मेरी बहनों का प्यार देखो, किसी ने भी टीका नहीं किया, हम लोग का इंतजार कर रहे थे कि जब सारी बहनें एक साथ इकट्ठे हो जाएंगी तब हम एक साथ टीका करेंगे। इतने लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं पहली बार। सामने है हॉस्टल और अभी बजे हैं सुबह के 6, एग्जैक्ट सही टाइम पर ट्रेन ने पहुंचा दिया है। अरे यार एकदम खतरनाक वाली नींद आ रही है, पूरी रात नींद है, इतना एसी
कूल कर रहा था, इतना हम लोगों ने कंप्लेन किया, उसके बाद भी वो एसी बंद नहीं कर रहे थे। पूरा कंपार्टमेंट इस चीज़ की शिकायत कर रहा था कि ठंडा है, लेकिन नहीं, एसी बंद करने का नाम नहीं ले रहा था इलेक्ट्रिशियन। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं हॉस्टल जाऊँ और सोऊँ, उसके बाद मैं जाऊँ यूनिवर्सिटी। तो थोड़ी देर हम करेंगे रेस्ट और फिर जाएंगे यूनिवर्सिटी। और फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को भी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।